वेलकम टू दी एच ई सी प्रो। आज इस वीडियो में मैं हॉट वर्क के रिलेटेड 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एक्सप्लेन करने वाला हूँ, जो कि हर सुपरवाइजर और सिफ्ट ऑफिसर से इंटरव्यू टाइम में पूछा जाते हैं। सो लेट्स बिगेन। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज हॉट वर्क? एनी वर्क इन विच हीट, फ्लेम और स्पार्क जेनरेट इज कॉल्ड हॉट वर्क, सच एज वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और गैस कटिंग। मतलब जो भी एक्टिविटी जिसमें हीट, फ्लेम या स्पार्क हमारे साथ जनरेट हो जाए तो उसको हम हॉट वर्क में इंक्लूड करते हैं, जैसा कि वेल्डिंग हो गया, ग्राइंडिंग हो गया, कटिंग हो गया, क्रेन लिफ्टिंग हो गया या इलेक्ट्रिकल जनरेटर हो गया। मतलब जो भी एक्टिविटी है जिसमें हमारे साथ हीट जनरेट होता है, स्पार्क जनरेट होता है, तो उसको हम हॉट वर्क में इंक्लूड करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, टेल मी द कॉमन हैजिट ऑफ हॉट वर्क। नंबर 1, फायर। नंबर 2, एक्सप्लोजन। नंबर 3, स्किन बर्न। नंबर 4, एक्सेसिव टेम्परेचर। नंबर 5, नॉइज। नंबर 6, आई इरिटेशन। मोस्टली इस किस्म का हैजिट आपको हॉट वर्क में मिलेंगे, और इससे ज़्यादा भी है, लेकिन कॉमन यही हैजिट है। जो भी हॉट वर्क की एक्टिविटी है मोस्टली यही हैजिट उसमें होते हैं। नंबर 3, टेल मी सम कंट्रोल मेजर फॉर द हॉट वर्क। क्वेश्चन नंबर 2 में हमने हैजिट एक्सप्लेन किया, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे वो इमिडिएटली उसका कंट्रोल मेजर पूछेगा, ये कॉमन ही बताना है आपको। सबसे पहले नंबर 1, रिमूव कंबस्टिबल मटेरियल फ्रॉम द नियर बाय ऑफ हॉट वर्क। एग्जांपल, हॉट वर्क के नज़दीक जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है, जैसा कि वुड हो गया, लकड़ी, डीजल, पेट्रोल, कपड़े हो गया, मतलब जो भी कंबस्टिबल मटेरियल है उसको रिमूव कर ले। एटलीस्ट 5 मीटर रेडियस मस्ट बी क्लीन फ्रॉम कंबस्टिबल मटेरियल। 5 मीटर रेडियस जो है वो कम्प्लीटली आपको क्लीन करना है, उधर कंबस्टिबल मटेरियल नहीं होना चाहिए। नंबर 2, इफ नॉट पॉसिबल टू रिमूव देन कवर विथ फायर ब्लैंकेट। अगर पॉसिबल नहीं है रिमूव करना तो इम्प्रूव्ड फायर ब्लैंकेट से उसको कवर करना है। नंबर 3, फायर एक्सटिंग्विशर मस्ट बी नियर बाय। नंबर 4, ट्रेन फायर वॉच मस्ट बी प्रेजेंट ऑल द टाइम। ट्रेन फायर वॉच भी हमारे साथ होना चाहिए जो भी कंबस्टिबल एक्टिविटी चलती हो, मोस्टली वेल्डिंग, ग्राइंडिंग और कटिंग के लिए, क्योंकि इन चीज़ों में आग लगने का बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो इसलिए फायर वॉच हमेशा होना चाहिए। नंबर 5, यूज़ ब्लैक ग्लासेस। जब भी हॉट वर्क एक्टिविटी करते हो मोस्टली वेल्डिंग में, हमेशा ब्लैक ग्लासेस यूज़ कर, क्योंकि वो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन वगैरह होता है, उससे आंखों को बचाना बहुत ज़रूरी होता है। नंबर 6, यूज़ लेदर ग्लव्स एंड लेदर एप्रॉन। जब भी कम बस हॉट वर्क की एक्टिविटी चल रही हो तो उसके लिए लेदर ग्लव्स और लेदर एप्रॉन हमेशा यूज़ करना है। फॉर एक्सेसिव नॉइज, ईयर प्लग और ईयर मफ मस्ट बी यूज। क्वेश्चन नंबर 4, हु इज़ द फायर वॉच? फायर वॉच इज़ द ट्रेंड पर्सन हु नो टू एक्सटिंग्विश फायर। फायर वॉच एक ट्रेंड पर्सन होता है जिसके साथ एक्सपर्टीज होता है आग बुझाने का। जब भी कोई आग लग जाए तो सबसे पहले फायर वॉच उसको बुझा देता है, और उसका ये ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके साथ इसका एक्सपीरियंस होता है। क्वेश्चन नंबर 5, फॉर हाउ मच टाइम फायर वॉचर मस्ट बी स्टे व्हेन हॉट वर्क इज फिनिश। फायर वॉचर मस्ट बी स्टे एट लीस्ट 30 मिनट व्हेन हॉट वर्क इज फिनिश, बिकॉज स्टिल पॉसिबिलिटी फायर विल हैपन। जब भी हॉट वर्क एक्टिविटी ख़त्म हो जाए तो फायर वॉचर को ज़रूरी है कि 30 मिनट तक वो स्टे कर ले। बाकी लोग साइड को छोड़ सकते हैं, लेकिन फायर वॉचर 30 मिनट स्टे करना चाहिए उनको, क्योंकि पॉसिबिलिटी होता है मेटल गर्म होता है तो आग लगने का चांसेस स्टिल एग्जिस्ट करता है अगर फिनिश भी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6,
Which format is required for hot work activity? For hot work activity, we need hot work format. Before start any hot work activity, first must we take hot work permit. Hot work को start करने से पहले हमें hot work का permit लेना चाहिए, जिसका red color होता है. तो इस permit के बगैर हम काम start नहीं कर सकते हैं. सबसे पहले हमको चाहिए कि हॉट वर्क परमिट लेना ज़रूरी है. क्वेश्चन नंबर 7. इन ऑक्सीजन इन रिच एटमॉस्फेयर कैन वी डू हॉट वर्क एक्टिविटी? नो. इफ ऑक्सीजन इज मोर देन 23% इन एटमॉस्फेयर, वी कांट डू एनी हॉट वर्क एक्टिविटी बिकॉज एक्सप्लोशन विल हैपन. हम जानते हैं कि अगर ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में मोर देन 23% हो तो वहाँ पर आग लग सकती है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर 23% से ज़्यादा हो तो आग लगने का चांसेस होता है, कंफर्म आग लग सकती है. तो इसलिए अगर 23% से ज़्यादा है तो कोई भी हॉट वर्क एक्टिविटी हम नहीं कर सकते.